Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel SIMS Official. As you all know that we are discussing about the chapter 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. Now continue with today's topic. The weather of a place changes day after day and week after week. किसी भी प्लेस का जो वेदर है वो डे टू डे एक दिन में भी चेंज हो सकता है या फिर वीक टू वीक भी चेंज होता है. दैट इज़ वाई वी ऑफन से, इसीलिए हमने आपने कभी सुना भी होगा कहते हुए, टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, है ना, कि आज का जो वेदर है वो बहुत ह्यूमिड है या फिर जो लास्ट वीक का वेदर था वो बहुत वार्म था, वो बहुत गर्म था. द वेदर इन सच अ इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो वेदर है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो जाता है, चेंज होता रहता है. इट कैन हैपन सम टाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग. आपने कभी कभी देखा होगा कि मॉर्निंग में सनी वेदर है ना, और सडनली कहीं से क्लाउड्स आए और रेनिंग स्टार्ट हो गई और हैवी रेन जैसे. और ये भी हो सकता है कि कभी, और हैवी रेन में मैनेज इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू अ ब्राइट शाइन सनशाइन. ऐसा होता है कभी कभी, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है कुछ मिनट्स में और फिर वेदर एकदम चेंज हो जाता है और ब्राइट सनशाइन आ जाती है. यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस. आपने ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस को देखा होगा, है ना. ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट. वेदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसीलिए उसे प्रिडिक्ट करना इतना ईजी नहीं होता कि हम उसका पहले से ये प्रिडिक्ट कर लें, प्रिडिक्शन बना लें कि भाई आज का वेदर ऐसा रहेगा, आज का वेदर सनी रहेगा, आज का वेदर क्लाउडी रहेगा. ऐसा हम प्रिडिक्शन नहीं बना सकते. लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय. आपको देखिए एक ग्राफ है मेघालय शिलोंग का, है ना, उसमें आपको ये वेरिएशन जो दिख रहे हैं वो आपको स्टडी करना है, ठीक है. 3 टू 9 अगस्त के बीच में देखिए, 3 अगस्त को वहाँ का टेम्परेचर कितना था, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, 23.5, फिर 5 अगस्त को हुआ 25, 6 को हुआ 22, 7 को हुआ 25.5, 8 को हुआ 23.3, 9 को हुआ 24.4. देखिए ये ग्राफ के थ्रू आपको समझाया गया है ना. As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. ना ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डेली का हम किसी वेदर रिपोर्ट से क्लियर कर सकते हैं. Do you know how these temperatures are recorded? क्या आपको पता है कि ये टेम्परेचर कैसे रिकॉर्डेड होते हैं? In chapter 4, you have learned that there are special thermometers. For this purpose, इस purpose के लिए आपको बताया कि कुछ special type के thermometers होते हैं, आपने chapter 4 में भी study किया है, called maximum and minimum thermometers. इनको हम maximum और minimum thermometers कहते हैं. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? क्या आप ये guess कर सकते हो कि दिन के किस समय हमारा जो होता है maximum temperature होता है और किस समय जो होता है वो minimum temperature होता है? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन का वो हम जनरली किससे निकालते हैं, आफ्टरनून का जो टाइम होता है ना, दोपहर का जो समय होता है. और मिनिमम टेम्परेचर जनरली हम अर्ली मॉर्निंग से गेस करते हैं, अर्ली मॉर्निंग से हम निकाल सकते हैं. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इन समर वी फील सो माइजेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कम्फर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों हम समर्स में आफ्टरनून जो होते हैं, दिन का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना, और जो मॉर्निंग का समय होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कंफर्टेबल होता है आफ्टरनून के अकॉर्डिंग? व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? अब सनराइज और सनसेट का क्या टाइमिंग होता है? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, है ना. आप जानते हैं विंटर्स में जो है वो अंधेरा जल्दी हो जाता है और आपको खेलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता. आर द डे शॉर्टर इन विंटर देन इन समर? क्या जो दिन होते हैं विंटर्स के वो समर्स से छोटे होते हैं ना? समर्स में तो दिन बहुत बड़े होते हैं और विंटर्स में दिन छोटे होते हैं. ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर के एंड में जो आपको दिया गया है प्रोजेक्ट, आप उसके थ्रू ये जान सकते हैं अपने आप.